वंदे अरहम वंदे गुरुवरम वंदे सत्यम। आज के सेशन का शुभारंभ कर रहे हैं त्रिपदी वंदना के साथ। पंजों के बल एड़ियों पर बैठें, हाथ जोड़कर आनंद केंद्र पर श्वास भरें। सामने देखते हुए वंदे का उच्चारण करेंगे, श्वास छोड़ते हुए ललाट जमीन से टच। वंदे अरहम, धीरे धीरे श्वास भरती हुई ऊपर। वंदे भरती हुई ऊपर। वंदे सत्यम, धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर। सुखद आसन में बैठ जाएं। अब हम करेंगे मंगल भावना। हाथ जोड़कर आनंद केंद्र पर अपने आप को मंगल भावों से भावित करते हुए मेरे साथ साथ मंगल भावना करें। आंखें कोमलता से बंद। श्री संपन्नो हम श्याम, धृति संपन्नोऽहं श्याम, शक्ति संपन्नोऽहं श्याम, शांति संपन्नोऽहं श्याम, नंदि संपन्नोऽहं श्याम, तेज संपन्नोऽहं श्याम, शुक्ल संपन्नोऽहं श्याम। मंगल भावना का प्रयोग संपन्न नमस्कार मुद्राओं के लिए तैयार। मंत्र के उच्चारण के साथ अपने चारों ओर सुरक्षा कवच का निर्माण करें। अरहम मुद्रा ओम ह्रीम नमो अरहंताण, अरहंतों को मेरा नमस्कार हो। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, बाहें कानों से स्पर्श, दृष्टि सम्मुख। अरहम मुद्रा की निष्पत्ति है वितरालता। अनुभव करें, हाथों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है, हाथों का दर्द कम हो रहा है। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ सिद्ध मुद्रा ओम ह्रीम नमो सिद्धाण, सिद्धों को मेरा नमस्कार हो। श्वास भरते हुए दोनों हाथों पर सिद्ध शिला की आकृति पुस्तक की तरह दोनों हाथों को खोल दे। सिद्ध मुद्रा की निष्पत्ति है पूर्ण स्वतंत्रता। अनुभव करें, हाथों के सभी जॉइंट्स खुल रहे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आचार्य मुद्रा ओम ह्रीम नमो आयरियाणम, आचार्यों को मेरा नमस्कार हो।
श्वास भरते हुए दोनों हाथ कंधों के समानांतर एकदम स्ट्रेट खंभे की तरह अंगूठा कंधों से टच। आचार्य मुद्रा की निष्पत्ति है श्रद्धा और समर्पण। अनुभव करें अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो रहा है। चेस्ट का पूरा भाग स्वस्थ हो रहा है। श्वास छोड़ते हुए पुनः स्थिति में उपाध्याय मुद्रा ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम्। उपाध्यायों को मेरा नमस्कार हो। पांचवी आकृति, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, हथेलियां छत की ओर, गर्दन पीछे की ओर। अपलक दृष्टि से छत को निहारें। उपाध्यायों को मेरा नमस्कार हो। उपाध्याय मुद्रा की निष्पत्ति है ज्ञान और आचरण। अनुभव करें गर्दन का दर्द दूर हो रहा है। थायराइड के स्राव संतुलित हो रहे हैं। ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति मेरे भीतर प्रवेश हो रही है। श्वास छोड़ते हुए पुनः स्थिति में मुनि मुद्रा ओम ह्रीं नमो लोए सवसाहुणम्। लोक के सभी साधु संतों को मेरा नमस्कार हो। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, अंजलि से आकृति। मुनि मुद्रा की निष्पत्ति है त्याग तपस्या साधना। अनुभव करें पांचों मुद्राओं से सभी ग्रंथियों के स्राव संतुलित हो रहे हैं। पिन्यल पिचुट्री थायराइड पैराथायराइड थाइमस पैंक्रियास सभी के स्राव संतुलित हो रहे हैं। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। अब जिन्हें बैग पहनना हो वह हाथों को आगे फैला सकते हैं, नहीं तो ऐसे रख सकते। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ जुड़े हुए। श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस संपन्न। अब अंगुलियां कंधों पर रखें। एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस संपन्न। दोनों हाथ जुड़े हुए, एक श्वास भरते हुए साइड में, दो श्वास छोड़ते हुए नजदीक। एक दो एक दो एक दो एक दो संपन्न। दोनों हाथों की मुद्रा बनाएं, चेस्ट के सामने इस तरह के, राइट नीचे लेफ्ट ऊपर। एक दो तीन चार, चार में ताली बीच। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, हाथों को बदली कर लीजिए। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार संपन्न। आज हम करेंगे योगिक क्रियाएं, सर से लेकर पैर के अंगूठों तक एक एक पार्ट को प्रभावित करती है। हर पार्ट पर इफेक्ट आता है। किसी फ्लैट के दरवाजे को अगर 10-15 साल तक बंद रखा जाए तो उसके कब्जों में जंग लग जाता है। उसी तरह अगर हम कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करते तो हमारे सब जॉइंट्स टाइट हो जाते हैं। तो ये क्रिया करने से पूरा शरीर का पूरा भाग, सभी जॉइंट्स प्रभावित होते हैं। तो आज हम योगिक क्रियाएं करेंगे। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जो बिना सहारे के खड़े होना चाहते हैं पैरों को इस तरह रखें क्रॉस, थोड़ा सा आगे झुकते हुए खड़े हो जाएं। दोनों पैर मिले हुए, पहले मस्तक से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। दोनों हाथ सातल से सटे हुए, दृष्टि सामने एक बिंदु पर टिकाएंगे और तेजी से श्वास प्रश्वास 10 बार।
संपन्न। क्रिया नंबर दो, दोनों हाथ कंधों के समानांतर हथेली छत की ओर, मस्तिष्क के अग्रभाग पर हल्की सी तपती, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्रिया नंबर थ्री, ऐसी आकृति बनाइए और आगे से पीछे प्रेशर देते हुए ले जाइए सिर के पीछे की ओर 3 times। अब कान के ऊपर से या पूरे सिर पर ऐसे उंगलियों के अगले पोरों से आप प्रेशर दे सकते हैं। संपन्न। अब हम करेंगे ललाट की मालिश। हैव योर पांच दोनों तिलों में करें घर्षण, 1, 2, 3, 4, 5 संपन्न। अब मस्तिष्क ललाट और कनपटी के स्नायुओं को तनाव देकर ढीला छोड़ेंगे, पूरी ललाट पर सलोटे गिरेगी, श्वास भरते हुए अब छोड़ते हुए डाउन, अप डाउन, 1, 2, एक पूरी ललाट पर सलवटे, 2, 1, 2, 1, 2 संपन्न। अब दूसरी क्रिया हम आंखों की करेंगे, गर्दन एकदम स्थिर रहेगी, आंखों में जो आई बॉल्स है उसको हम मूवमेंट करेंगे, यस, श्वास भरते हुए ऊपर देखें छत को, श्वास छोड़ते हुए नीचे, आई बॉल्स को अप डाउन करेंगे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब श्वास भरते हुए आई बॉल्स को राइट साइड, छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, राइट लेफ्ट। अब पुनः श्वास भरते हुए लेफ्ट, फिर छोड़ते हुए राइट, लेफ्ट राइट। संपन्न। अब आई बॉल को गोलाकार घुमाएंगे, श्वास भरेंगे, भीतर रोकेंगे और क्लॉकवाइज, यस, अप राइट डाउन लेफ्ट 5 times। उल्टी दिशा में श्वास छोड़ें, पुनः भरें, भीतर रोकें और एंटी क्लॉकवाइज, यस, अप लेफ्ट डाउन राइट घुमाइए 5 times। संपन्न। श्वास भरें, बाहर छोड़ें, बाहिक कुंभक और आंखों को तेजी से टिमटिमाएं, भरें श्वास, छोड़े, बाहर रोक दे और आंखों को तेजी से टिमटिमाएं, संपन्न। एक बार और भरे श्वास, छोड़े, टिमटिमाएं, संपन्न। अब तिरछी नजर, श्वास भरते हो राइट साइड में ऊपर, लेफ्ट साइड में नीचे, हाथ का सहारा भी ले सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यस, राइट में अप, लेफ्ट में डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अब लेफ्ट में अप, राइट में डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। संपन्न। रब योर पाम्स दोनों तिलों में करें घर्षण, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आंखों पर हल्के स्पर्श से मालिश, हथेलियों की उष्मा आंखों तक पहुंचे। एक बार और, हथेली में गड्ढा, संपुट का आकार आंखों पर स्थापित, आंखें बंद, अनुभव करें मेरी आंखों की रोशनी बढ़ रही है, आंखों के सभी विकार दूर हो रहे हैं, अंदर सघन अंधेरा, अब इस अंधेरे में आंखें खोल कर तेजी से टिमटिमाएं, धीरे धीरे उंगलियों के छिद्रों से
आते हुए प्रकाश को देखते हुए नीचे की ओर देखें, फिर सामने की ओर। जिस पार्ट की मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूँ उस पार्ट से रिलेटेड सभी बीमारियां ठीक होती है। जैसे पहली क्रिया मस्तक की कराई तो मस्तिष्क के न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं, मस्तिष्क का दर्द दूर होता है और भी कोई प्रॉब्लम दूर होती है। आंखों से रिलेटेड जितनी बीमारियां हो सब में अच्छी राहत मिलती है। क्रिया नंबर 3 कान। जैसे कि कान की गर्भस्थ शिशु की आकृति है, एक्यूप्रेशर के अनुसार हाथ की अतिलियों में, पैर के तलवों में जितने भी पॉइंट्स है उतने कान में आए हुए हैं, तो शरीर एकदम इससे स्वस्थ हो जाता है। पहले दोनों उंगलियों की वी की आकृति बनाए, इंडेक्स एंड मिडल फिंगर। कान के आगे पीछे मालिश कान के ऊपर मालिश, कान के नीचे मालिश, तर्जनी अंगुली कान में डालकर दाएं बाएं घुमाएं। अब अंगुली को छत की ओर करें, नाखून कटे हुए होने चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखें। ऊपर की ओर प्रेशर 1, 2, 3, 4, 5, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है ऊपर की ओर प्रेशर, लो रहता है तो नीचे की ओर 1, 2, 3, 4, 5 सम। अब कान को ऊपर से पकड़िए, खींचे 1, 2, 3, 4, 5 घुमाएं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नीचे की ओर, नीचे की ओर बहने। ध्यान दें अगर कान का होल बड़ा है तो जोर से न खींचे, उसका पूरा ध्यान रखें। 1, 2, 3, 4, 5 क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, बीच वाला कान पकड़कर खींचे 1, 2, 3, 4, 5 क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। कान के भीतर एक छोटा सा कान है, उनको पकड़कर भी गोलाकार घुमाइए, यस, उल्टी दिशा में। अब कान को बंद खोल करें, अतिली कान पर स्थापित, भीतरी आवाज को सुने, भीतर भी बहुत बड़ा संसार है, सुनिए आवाज एकाग्र होकर तन्मयता से। सम्पन्न, कान में दर्द हो, कम सुनाई देता हो, कान में रसी हो, और यह अप्रमाद केंद्र प्रेक्षा ध्यान का व्यसन मुक्त होने के लिए यहाँ पर पीले रंग का भी ध्यान किया जाता है। चौथी क्रिया मुख और स्वर्यंत, दोनों तिल में घर्षण करे गरम, चेहरे की मालिश 1, 2, 3, 4, 5। अब नाक के साइड में मालिश, नाक के नीचे मालिश, थोड़ी के ऊपर मालिश, थोड़ी पर प्रेशर दें, श्वास भरे, गालों को फुलाएं। अब दाएं बाएं गाल फुलाकर संपन्न, अश्वर यंत्र के लिए श्वास भरेंगे, पूरा मुख खोलेंगे, आ की आवाज बड़ी मधुरता से भरे श्वास, 3 उंगलियां 4 उंगलियां अधर में एक बार और भरे श्वास दांतों को सटाएं, संपन्न। अब पांचवी क्रिया गर्दन की। अब चेहरे पर जिनके ग्लो नहीं हो, गाल पिचके हुए हो तो इससे चेहरे पर ग्लो आता है, और जिनकी आवाज मधुर नहीं हो तो उनकी आवाज मधुर आती है, जो गाते हैं जो स्पीकर है उनके लिए बेहतरीन है आग की ध्वनि करना। अब नेक एक्सरसाइज, पहले तिलियों में घर्षण करे गरम, गर्दन की मालिश 1, 2, 3, 4, 5 एक बार और आगे की ओर मालिश 1, 2, 3, 4, 5
पांच। अब नेक की एक्सरसाइज करेंगे, उन लोगों को ध्यान रखना है जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, वो ठुड़ी को कंठ गुप्त से न लगाएं, वो सामने देखें। यस, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए ठुड़ी कंठ गुप्त से लगाएं। एक, दो, एक, दो, एक, संपन्न। श्वास भरे, छोड़ते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड, थोड़ी कंधों के लेवल में कोशिश करें, भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए राइट। एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, संपन्न। श्वास भरे, राइट कान राइट कंधे से टच, लेफ्ट लेफ्ट से, यस, भरे श्वास, राइट साइड ऊपर, लेफ्ट साइड, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, संपन्न। अब गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे, ध्यान दें सभी, जब हम राइट से जाएंगे तो ठुड़ी टच और लेफ्ट से आएंगे तो कान टच, ऊपर जाएंगे तो श्वास भरते हुए, नीचे आएंगे तो छोड़ते, चक्कर आए तो आंखें बंद कर सकते हैं, और उसमें भी अगर चक्कर आया तो आप नहीं करना। यस, स्टार्ट राइट साइड से 3 times, 2, 3, अब उल्टी दिशा में, 1, 2, 3, संपन्न। अब हम करेंगे कंधों की एक्सरसाइज, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ सातल से सटे हुए, सांस भरते हुए कंधों को ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, मुट्ठी बंद, संपन्न। कंधों को गोलाकार घुमाएंगे आगे से पीछे, 1, 2, 3, पीछे से आगे, 1, 2, 3, दोनों हाथ कंधों के समानांतर, समन्वय मुद्रा, कंधों पर स्थापित, चेस्ट के सामने कोहनियों को मिलाएं, आगे से पीछे गोलाकार, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, अब पीछे से आगे, 1, 2, 3, संपन्न। कंधों की कोई भी तकलीफ हो, फ्रोजन शोल्डर हो वगैरह, इससे दूर हो जाते हैं, और गर्दन के एक्सरसाइज है जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, क्या उनको एक बात का ध्यान रखना है, ये थोड़ी ऐसे नहीं लगाना है, नीचे बिल्कुल झुकना नहीं है, उससे प्रॉब्लम और आपको बढ़ सकती है। सातवीं क्रिया, सात और हाथ, दोनों हाथ सामने की ओर फैलाएं, कलाई से 90 degree का कोण, अनुभव करें जैसे कोई दीवार गिर रही है और उसे बड़ी ताकत से रोक रहे हैं, 1, 2, 1, 2, 1, 2, अब गोलाकार घुमाएं उल्टी दिशा में, संपन्न। एक एक अंगुली को हिलाएं, जिस तरह कंप्यूटर चलाते उस तरह चलाएं, मुट्ठी बंद खोल करें, मुट्ठी बंद, गोलाकार घुमाएं कलाई से उल्टी दिशा में, दोनों हाथों को उल्टा करिए, अंगुलियां कंधों से टच, अब मुट्ठी बंद,
संपन्न। अब दोनों हाथों को गोलाकार घुमाएंगे, यस, एक दो तीन चार पांच, उल्टी दिशा में, पांच चार तीन दो एक। अब आठवीं क्रिया हम सीने की करेंगे, सीना और फेफड़े के लिए स्पेशल, हाथों की आकृति बनाएं, जिस तरह स्प्रिंग को खींचते उस तरह खींचते हुए साइड में ले जाएंगे, श्वास भरते हुए, एक दो एक दो एक दो एक दो, संपन्न। शेर के पंजे की आकृति बनाए, पैरों में हल्का सा फासला, श्वास भरे, छोड़ते हाथों को आगे झटकेंगे, अब पूरी ताकत से पीछे लाए, जैसे कोई आप रस्सी पकड़कर खींच रहे हैं, लाए पीछे पूरी ताकत से, आए पीछे, संपन्न। अब हम दोनों हाथ नाभि पे रखेंगे, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, 3 to 5 टाइम्स ब्रीद इन ब्रीद आउट, पेट के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करें, ब्रीद इन पेट बाहर, ब्रीद आउट पेट भीतर, लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। संपन्न। अब पसलियों पर हाथ रखिए, अंगूठा पीछे, उंगलियां पसलियों पर, श्वास भरें, भरते समय अनुभव करें, पसली बाहर और ऊपर की ओर जा रही है, देखिए आप, आंखें बंद कर लीजिए और अनुभव करिए, संपन्न। अब दोनों हाथ क्रॉस कॉलर बोन पर रखिए, असली जिसे बोलते हैं, श्वास भरे, श्वास भरते समय आपके हाथ उठ रहे हैं, अनुभव करिए आप, संपन्न। अब नौवीं क्रिया हम पेट के लिए करेंगे, हल्का सा फासला, दोनों हाथ थाई पर या दोनों हाथ एक बार सामने रखिए, श्वास भरे, छोड़ते हुए धीरे धीरे कुर्सी की आकृति में आए, दोनों हाथ थाई पर, श्वास को बाहर छोड़ दें, पेट को अंदर ले जाएं और अंदर पीठ से लगाने की कोशिश और पेट को संचालित करें, अग्निशाम राइट हैंड से सहला दीजिए, संपन्न। पैरों में फासला, कमर को पकड़े, 30 डिग्री पर आएंगे और तेजी से श्वास पर श्वास, यस, संपन्न। अब 90 डिग्री सामने की ओर देखेंगे, तेजी से श्वास पर श्वास, धीरे धीरे ऊपर, पुनः 30 डिग्री आएंगे, श्वास बाहर छोड़ेंगे, बाहर बाहर कुंभक और पेट को अंदर बाहर हिलाएंगे, इससे पहले रिलैक्स कर लीजिए, रिलैक्स, श्वास मंद और शांत, रिलैक्स, तैयार, आए 30 डिग्री, श्वास छोड़ते हुए इस पहले श्वास भरें, पेट को अंदर ले जाएं, खाली पेट अंदर बाहर, संपन्न। पुनः श्वास भरे, छोड़ते हुए नीचे जाना है, श्वास को पूरा खाली 90 डिग्री पर और अंदर बाहर संचालित, देखिए सामने, अब खाली पेट संचालित, श्वास बाहर रुका हुआ, धीरे धीरे ऊपर, रिलैक्स, तैयार। दसवीं क्रिया कमर के लिए, दोनों हाथ सामने,
दोनों हाथों को ले जाते हो, लेफ्ट हाथ पीछे राइट थाई पर, राइट हाथ लेफ्ट कंधे पर, इस तरह जाना है क्रमबद्ध। यस, अर्धकटी चक्रासन करिए सभी, कमर को लचीली बनाने के लिए, कमर की चर्बी घटाने के लिए बेस्ट है सब कमर की क्रियाएं। संपन्न, अब हम करेंगे कोणासन। दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ सातल से सटे हुए। एक, श्वास भरते हुए राइट हैंड अप। दो, लेफ्ट साइड झुकिए, लेफ्ट हाथ घुटने तक, हाथ ऊपर सीधा, श्वास भरते ऊपर छोड़ते हुए नीचे। अब लेफ्ट हैंड से करेंगे, एक दो राइट साइड, तीन चार। अब हम करेंगे पादहस्तासन। श्वास भरते हुए दोनों हाथ पीछे की ओर ले जाएं, ऊपर ले जाते हुए पीछे जाएं, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकिए। बैक पेन वाले, कमर दर्द वाले ना झुके, पहले उंगलियां टच, धीरे धीरे हथेली टच, पैर सीधे रखेंगे। आइए पीछे और पीछे, ललाट घुटने से लगाने की कोशिश। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स, तैयार। अभी हम करेंगे अर्ध चक्रासन। दोनों हाथ पीछे, अब कमर से झुकेंगे, पीछे की ओर जाएंगे, सांस भरें, छोड़ते हुए जाएं पीछे। धीरे धीरे ऊपर, जिन्हें चक्कर आते हैं वो न करें। यस, एक बार और। और इस तरह नहीं जमता तो देखिए चार स्टेप में जा सकते हैं। एक, श्वास भरते हुए ऊपर, दो, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए हाथ पीछे, और जाए श्वास छोड़ते हुए पीछे। धीरे धीरे ऊपर, कमर से रिलेटेड सभी तरह की प्रॉब्लम इससे दूर हो जाती है। रिलैक्स, अब पंजों की क्रिया। श्वास भरते हुए पंजों के बल खड़े हो, छोड़ते हुए नीचे। एक दो, एक दो, एक दो। अब श्वास भरते हुए एड़ी के बल, छोड़ते हुए नीचे। एक दो, एक दो, एक दो। अब पंजों के बल आगे पीछे चलेंगे, कमर को पकड़कर भी चल सकते हैं और ऐसे भी चल सकते हैं, जैसा आपसे जमे वैसे। छोटे छोटे डग, पूरा वजन पंजों पर। अब एड़ी के बल चलिए, अब एड़ी से नितंब को ताड़ित करिए इस तरह। संपन्न, अब हम घुटने के लिए एक्सरसाइज करेंगे। कमर को पकड़े, सांस भरें, छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटनों को बेंड करिए, थोड़ी देर होल्ड करिए, धीरे धीरे ऊपर। एक दो, एक दो। हिप को पीछे की ओर, घुटने पंजों के लेवल में रहे, रात इसे आगे रख के भी कर सकते हैं। यस, दो, एक दो। संपन्न, अब घुटने की ढकने को, नी केप को श्वास भरते ऊपर खींचें। यस, दो ढीला छोड़ें। एक दो, एक दो, एक दो। संपन्न, कमर को पकड़ें, श्वास भरें, छोड़ते हुए घुटनों को राइट साइड टर्न देंगे, सामने देखेंगे। यस, भरे श्वास। एक दो, लेफ्ट साइड, एक दो, राइट साइड, एक दो, लेफ्ट साइड, एक दो। संपन्न,
अब दोनों घुटनों को गोलाकार घुमाएंगे, या तो जिनको बहुत ज्यादा दर्द है वो हाथों को ऐसे रख सकते हैं, एक दो उल्टी दिशा में, एक दो उल्टी दिशा में, एक दो, या डायरेक्ट भी घुमा सकते हैं। लेकिन जिनको दर्द है वो हथेली का सहारा जरूर लें। रिलैक्स, तैयार। राइट पैर को ऊपर लीजिए, अंगूठा नीचे की ओर, बैलेंस के साथ, एक दो, एक दो, लेफ्ट पैर, एक दो, एक दो, एक दो। अब पैर को गोलाकार घुमाएंगे पूरा बैलेंस बनाकर, उल्टी दिशा में, फिर लेफ्ट पैर से उल्टी दिशा में संपन्न। अब हम नीचे बैठेंगे और पैरों की स्पेशल एक्सरसाइज और करेंगे। दोनों पैर सामने, एक दो, पंजों को अंदर लगाएं, सांस भरें, एक दो, एक दो, उंगलियां बेंड करें, दबाव दें, दो, ढीला छोड़ें। जो ऐसे दंडासन में नहीं बैठ सकते वो पीछे सहारा लेके बैठ सकते हैं। जिनको अगर तकलीफ हो रही है और बहुत ज्यादा तकलीफ, तो बेड पे भी आप कर सकते हैं। एक दो, एक दो, संपन्न। दोनों पैरों को गोलाकार घुमाएं, उल्टी दिशा में संपन्न। पैरों में फासला, दोनों हाथ पीछे साइड में लेटे, वेरिकोज वेंस के लिए स्पेशल, दोनों अंगूठों को मिलाएं, जमीन से टच, एक दो, एक दो, एक दो, संपन्न। दोनों पैरों को उठाकर पटके, संपन्न। अब जिनका पद्मासन नहीं लगता उनके लिए स्पेशल एक्सरसाइज, लेफ्ट पैर फोल्ड, टखनों से गोलाकार घुमाएं, उल्टी दिशा में, पैर को आगे पीछे, संपन्न। अब पैर को नीचे जाने दीजिए, जमीन से टच, संपन्न। सीने से लगाएं और छोड़ दें नीचे की ओर, या नहीं जाता तो आप हाथ से भी प्रेशर दे सकते हैं। पैर को झुला झुलाएं, संपन्न। अब राइट पैर से करिए, राइट पैर के टखने को घुमाएं गोलाकार, उल्टी दिशा में, आगे पीछे, झूला झूलाए, जिस तरह बच्चे को झूला झूलाते उस तरह। अब थाई पर रखे पैर और नीचे जाने दें। जिनका नहीं जाता उतना जबरदस्ती न करें, आराम से इस तरह दबाए। अब सीने से लगाएं और ढीला छोड़ दें। ये करने के बाद यदि आप पद्मासन करते हैं तो आराम से, जिनका नहीं लग रहा बहुत ही 8-10 दिन में लगने लग जाता है और एकदम कंफर्टेबल हो जाता है। बैठिए आराम से। ये मैंने आपको छोटी छोटी योगिक क्रियाएं करवाई, जिसको सूक्ष्म क्रियाएं भी कहते हैं और वृक्ष ध्यान में योगिक क्रियाएं कहते हैं, जो 13 है। लगभग सब मैंने कवर करने की कोशिश की। किसी भी उम्र के सभी व्यक्ति से आराम से कर सकते हैं, क्योंकि शरीर के एक एक पार्ट को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, तो बेहद इफेक्टिव है। आज अब हम करेंगे प्राणायाम। कई तरह के प्राणायाम है, काफी दिनों से सेशन चल रहा था, आप सबको मालूम है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तो आज हम सबसे पहले करते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम, लेफ्ट हैंड नॉलेज पोस्चर। जिस आसन में आप सुविधापूर्वक बैठ सकते हैं बैठिए, राइट हैंड की दो उंगली आप बेंड कर दीजिए,
अंगूठा दाहिने नासिका पर, स्मॉल फिंगर बाएं पर, तर्जनी दोनों भ्रुगुटों के बीच, चंद्र भेदी प्राणायाम। लेफ्ट से श्वास लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। यस रेडी, लेफ्ट से लें, लेफ्ट से छोड़ें, लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। तीन बार और करिए। इसी का दूसरा प्रकार, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। यस स्टार्ट, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। तीन बार और कर लीजिए काउंट के साथ। ये प्रयोग अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए। जिनके शरीर में बहुत हीट है, गर्मी है, और गर्मी के दिनों में बेहद इफेक्टिव है, तो ये करना चाहिए। जिनका ब्लड प्रेशर हाई हो उनके लिए उपयोगी है, जिनको एसिडिटी हो, बुखार के समय भी ये किया जा सकता है। तो अपने शरीर की सिम्टोम को ध्यान में रखते हुए आप कर सकते हैं। लेफ्ट से जो करते हैं उसे चंद्र स्वर, राइट से करते हैं उसे सूर्य स्वर। कब संबंधी कोई भी प्रॉब्लम के लिए सूर्य वेदी भी कर सकते हैं। आइए करके देखते हैं। सेम मुद्रा बनाएं, राइट से लें, राइट से छोड़ें, केवल तीन बार करेंगे। यस, क्योंकि गर्मी है अभी। प्रयोग नंबर टू, राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें। राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, थ्री टाइम्स। संपन्न। अपनी सुविधा अनुसार टाइम और आवृत्ति बढ़ा सकते हैं। जिनका ब्लड प्रेशर लो है उनके लिए बेहद इफेक्टिव है। जिनको सर्दी खांसी जुकाम की तकलीफ है, और कोरोना में जिनको कोल्ड कफ वगैरह हो जाए, खांसी हो जाए, तो ये बेहतरीन है, दमा वालों के लिए बेहतरीन है। अब हम करेंगे अग्निशा, श्वास भरेंगे, श्वास को बाहर छोड़ेंगे, बाह्य कुंभक करेंगे, पेट को अंदर पिचकाएंगे, फिर खाली पेट अंदर बाहर करेंगे, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव हो जाता है इससे। यस, भरे श्वास, छोड़े भीतर ले जाए, श्वास को बाहर रोक दें, पेट को अंदर बाहर करें। सम पर यह अग्निशा, पेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं स्वस्थ हो जाते हैं और बेहद इफेक्टिव है। लेकिन जिनको आप पेट का कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है, पेट में पेन है, दर्द है, वो ना करें। देखिए, शरीर आपका अपना है, आपको अपनी क्षमता का ध्यान है, स्वयं ये ध्यान रखते हुए करें, अवेयरनेस के साथ, जागरूकता के साथ करें। अब हम करेंगे भस्त्रिका, और गर्मी के दिनों में आप शीतकालीन भी कर सकते हैं। तुरंत देखिए, अगर लाइट चली जाए, गर्मी हो, पंखा बंद हो, तो हमें बेचैनी होती, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, किधर जाने की जरूरत नहीं है। आप चंद्रवेदी करिए, शीतकारी करिए, तुरंत बॉडी में ठंडक होती। देखिए, शीतकारी का एक प्रयोग बताता हूँ। दांतों को सटाएंगे, पीछे जीवा को लगाएंगे, सीसी की शीतकार करते हुए अंदर श्वास भरेंगे और नाक से छोड़ेंगे। आप देखिए, तुरंत ठंडक होती है, तीन से पांच बार करने पर ठंडक होती है। यस, मुद्रा बनाए, तीन बार किया, तीन बार और करते हैं। जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी है, बहुत गर्मी हो रही, तुरंत राहत मिलती है, एक बार तीन बार और करके देखिए।
इसे शीतकारी कहते हैं, बहुत तुरंत ठंडक होती है। एक बार लाडू में शिविर था, बहुत गर्मी थी, स्वयं आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी शिविर में कार्यक्रम दे रहे थे। लोगों ने कहा गुरुदेव आज ध्यान का प्रयोग नहीं होगा, गर्मी बहुत है। गुरुदेव ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, मैं आपको प्रयोग करवाता हूँ, और चंद्र भेदी प्राणायाम कराया। उसके बाद सभी ने आराम से ध्यान किया। तो इतने बेहद चमत्कारी, लेकिन रोज करने की जरूरत है, नियमित करने से रिजल्ट्स आते हैं। तो अब हम भस्त्रिका करेंगे, जिनको हार्ट का बड़ा ऑपरेशन हुआ है, हाई ब्लड प्रेशर है, दमा की तकलीफ है, चक्कर आते हैं, फिट की बीमारी है, वो फास्ट ना करें, स्लो करें। तो थाई तक करेंगे, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, पूरा भरेंगे, पूरा खाली करेंगे। यस, पूरी भाव क्रिया के साथ भरते समय ये भावना करें, मेरे भीतर ऑक्सीजन फूल जा रही है, भगवान की दिव्य शक्ति भी जा रही है। छोड़ते समय भावना करें, पूरे टॉक्सिक बाहर निकल रहे हैं, विजातीय तत्व का निष्कासन हो रहा है। भाव क्रिया के साथ करने पर लाभ का प्रतिशत कई गुना बढ़ जाता है। यस, एकदम स्लो, आराम से भरो, आराम पूरा खाली करो। अब हम फास्ट करेंगे अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए। यस, सांस भरें, स्टार्ट। संपन्न, तैयार अनुलोम विलोम के लिए लेफ्ट हैंड नॉलेज पोस्चर, राइट हैंड की मुद्रा बनाएं। अंगूठा दाहिना सिक्का पर, स्मॉल फिंगर बाएं पर, त्रिज्या दोनों भ्रुगुटियों के बीच, लेफ्ट से सांस भरें, राइट से छोड़ें, पुनः राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ें। पांच आवृत्ति कर लीजिए। गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, पूरा सांस भरना है, पूरा खाली करना है। बेहतरीन प्राणायाम है अनुलोम विलोम, प्राण के संतुलन के लिए, हार्ट के ब्लॉकेज खोलने के लिए एकदम बेहतरीन है। कपालभाति और भस्त्रिका करने के बाद ये करने से बॉडी एकदम बैलेंसिंग हो जाती है। अब हम करेंगे कपाल भाती। श्वास छोड़ा पेट अंदर, श्वास छोड़ा पेट अंदर, स्पीड रहेगी 1 सेकंड 1 स्ट्रोक, 1 मिनट 60 स्ट्रोक, इससे ज्यादा जबरदस्ती नहीं करना है। जिनका पेट का बड़ा ऑपरेशन हुआ है वो भी ना करें, चाहे ओवरी यूट्रस जो भी आप रिमूव हुए हैं या बहुत ज्यादा दर्द से बढ़ तो आप कभी नहीं करना है, स्टिचिंग नहीं खुले तो नहीं करना है। एकदम स्लो स्पीड में आराम से, ये एकदम बेहतरीन और अजमाया हुआ प्रयोग है। 1 मिनट में 60 स्ट्रोक मुझे देखते जाए, पहला प्रयोग करते हैं हम 60 वाला। यस, कभी भी कोई प्रयोग में
श्लेष्मा अगर बाहर निकलने की कोशिश करता है तो रुमाल पर तुरंत लेना चाहिए, उसको निकलना नहीं चाहिए। अब हम करेंगे उज्जैन, विशुद्धि केंद्र पर चित्त को केंद्रित करेंगे और ये जो गड्ढा है उसको संकुचित करेंगे। 5 बार श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। खेत्री मुद्रा के साथ श्वास स्वर यंत्र से स्पर्श करेगा, यस। जीवा को तालु से लगाएंगे, अग्रभाग को खेत्री मुद्रा बन जाती है। बनाए सभी, संपन्न कपालभाति हम एक्सरसाइज के साथ भी कर सकते हैं, बहुत इजी। मैं 5 बार करके बताता हूं, आप मेरे साथ करिए क्योंकि ध्यान का समय भी हो रहा है, यस। हाथों की मुद्रा बनाएं, झटकते हुए कपालभाति सामने, फिर पीछे आते हुए कपालभाति, दोनों हाथ घुटनों पर रखें, मुट्ठी बंद, मुट्ठी टच करते हुए कंधों से कपालभाति, साइड में संपन्न, इस तरह कर सकते हैं। अब हम करेंगे ध्यान का प्रयोग। मैंने आपको 12 योगी क्रिया कराई, उसमें कायस्थक नहीं करा, अभी हम कर लेंगे कायस्थक, दोनों साथ में हो जाएंगे और ध्यान का प्रयोग करेंगे। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक लंबे समय तक बैठ सके उसी ध्यान आसन का चुनाव। वीतराग मुद्रा, दोनों हथेलियां नाभि के नीचे स्थापित, बाएं हथेली नीचे, दाएं हथेली ऊपर, आंखें कोमलता से बंद, स्पाइनल कोर सीधा, गर्दन सीधी। 3 बार महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग प्रारंभ करें। प्रत्येक ध्वनि से पहले पूरा श्वास भरें। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। ध्यान का प्रथम चरण का युक्त शरीर को स्थिर एवं शिथिल करें। प्रतिमा की बात स्थिर रहे, हलन चलन न करे, पूरी स्थिरता। सुझाव दें, पूरा शरीर शिथिल हो जाए, रिलैक्स हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल
रिलैक्स हो गया है, रिलैक्स हो गया है, पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की यह मुद्रा बनी रहे। अनुभव करें अपने चारों पन्ने की बात चमकता हुआ हरे रंग का प्रकाश फैल रहा है, ब्राइट ग्रीन कलर शाइनिंग। ब्राइट ग्रीन कलर के परमाणु फैल रहे हैं। अब इस चमकते हुए हरे रंग का सांस लें, अनुभव करें प्रत्येक सांस के साथ ग्रीन कलर के परमाणु मेरे भीतर प्रवेश हो रहे हैं, शरीर के भीतर प्रवेश हो रहे हैं, चित्त को आनंद केंद्र पर ले जाएं, हृदय के पास वाला स्थान, दोनों फुफ्फुसों के बीच जो गड्ढा सा है वह आनंद केंद्र, वहां पर चमकते हुए ग्रीन रंग का ध्यान करें, ब्राइट ग्रीन कलर, पन्ने की भांति चमकता हुआ हरा रंग का ध्यान। आनंद केंद्र पर चमकते हुए हरे रंग का ध्यान करें। ब्राइट ग्रीन कलर चमकता हुआ, यदि हरा रंग नहीं आ रहा हो तो ग्रीनरी की कल्पना करें और आनंद केंद्र पर केवल हरा रंग देखें, ब्राइट रंग होना चाहिए, ब्राइट चमकता हुआ। आनंद केंद्र पर चमकते हुई हरे रंग का ध्यान। अनुभव करें आनंद केंद्र से हरे रंग के परमाणु बाहर निकलकर शरीर के चारों ओर फैल रहे हैं, पूरा आभा मंडल हरे रंग के परमाणुओं से भर रहा है, इसे देखें, इसका अनुभव करें। अपने चारों ओर चमकते हुए हरे रंग के आभा मंडल का अनुभव करें। अनुभव करें भाव धारा निर्मल हो रही है, भाव धारा निर्मल हो रही है, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है, भाव धारा निर्मल हो रही है,
भाव धारा निर्मल हो रही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है, इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग और शक्तिशाली बन रहा है। ध्यान के इस क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। ज्योति केंद्र प्रेक्षा, चित्त को ज्योति केंद्र पर ले जाएं, ललाट का मध्य भाग, सेंटर ऑफ फोरहेड, वहां पर पूर्णिमा के चांद की तरह चमकता हुआ श्वेत रंग का ध्यान करें, ब्राइट व्हाइट कलर। ज्योति केंद्र पर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान, अनुभव करें। पूरी ललाट पर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें, अनुभव करें श्वेत रंग के परमाणु ललाट के भीतर तक प्रवेश कर रहे हैं। श्वेत रंग के परमाणु ललाट के भीतर तक प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव करें पूरी ललाट श्वेत रंग के परमाणु से भर रही है। पूरी ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर चुकी है, इसे देखें, इसका अनुभव करें। शांति और आनंद का अनुभव करें। शांति और आनंद का अनुभव करें। शांति और आनंद का अनुभव करें। धीरे धीरे लंबा सांस लें। धीरे धीरे लंबा सांस छोड़ें। 2 से 3 बार करें। दीर्घ सांस के साथ पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव करें। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। हाथ जोड़कर आनंद केंद्र पर बड़ी मधुरता से एक साथ शरण सूत्र का उच्चारण करें। अरहंते शरणम पवज्जाम, सिद्धे शरणम पवज्जाम, साहु शरणम पवज्जाम,
केवली शरणं भवज्जाम। ध्यान का प्रयोग संपन्न, दोनों हथेली आंखों पर स्थापित, हथेली की उष्मा आंखों तक पहुंचे, धीरे धीरे आंखें खोलें और सत्य को वंदन करेंगे, पंजों के बल एड़ी ऊपर आ जाएं, हाथ जोड़कर आनंद केंद्र पर वंदे सच्चम वंदे सच्चम वंदे सच्चम। आज का सेशन संपन्न, गुरुदेव के प्रति कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं, कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं, कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं।